दर्शकवृन्द नमस्कार हम अमित ठाकुर प्राइम टाइम में अहाँ सबके बहुत बहुत स्वागत है। आई प्राइम टाइम में हम सब कनिक फरक प्रसंग पर बातचीत कर जा रहा है। सब दिन राजनीतिक सामाजिक आर्थिक मुद्दा पर बातचीत करबे करै छी। आई कनिक फरक प्रसंग आई आध्यात्मिक विषय पर बातचीत हम सब कर जा रहा छी। एखन के भागदौर भरल जिंदगी में आध्यात्म के अवस्था की छै, हम अहाँ कतेक ध्यान दऽ रहल छी ओहि पर, तऽ अपना आप के ओहि सँ कतेक जोड़ि कऽ देख रहल छियै, की कमी कमजोरी रहल छै, एहि सँ केना जुड़ल जा सकैया, लाभ गर फायदा, इएह सब विषय में बातचीत करब। आई हमरा सबके साथ में छथि संत सुंदर माताजी, गायत्री परिवार से ई आबद्ध छथि आ आई नेपाल में अयला के कारण हुनकर विशेष समय लक हम सब आई हुनका संगे बातचीत कर रहल छी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। शुरुआत करते हैं, आप यहाँ पे आई हैं नेपाल में, पहली बार आना हुआ है या बराबर आती रहती हैं यहाँ पे? मैं बराबर आती रहती हैं। और अभी कौन से सिलसिले में आपका आना हुआ है यहाँ पे? अभी मैंने आई है यहाँ, हमारे भक्त पहले पुराण था तो उन्होंने यहाँ यज्ञ करवाया है 3 दिवसीय मुंडन संस्कार, तो मुंडन संस्कार में मुझे बुलाया यहाँ जट्ठी में विनय कुमार मंडल, तो वहाँ थे और कल 9 बजे रात में हम जनकपुर में प्रवेश कर गए। आप गायत्री परिवार से हैं, गायत्री परिवार के बारे में जरा बताना चाहेंगे आप, क्या है गायत्री परिवार, यदि कोई आम लोग जानते भी होंगे, यहाँ भी हैं बहुत सारे लोग और कुछ जानते भी नहीं है, तो गायत्री परिवार आखिर में है क्या? गायत्री परिवार है, और गायत्री परिवार हमारा है, वो हर इंसान को आध्यात्मिक बनाते हैं और हर इंसान में देवत कैसे होगा और धरती पर स्वर्ग कैसे होगा, इसके लिए हमारे गायत्री परिवार अपने गायत्री मंत्र से और संस्कार से जोड़ते हुए, हवन से जोड़ते हुए, उन्होंने 84 देश में पहुंच गए। इसका सबसे जो प्रमुख शाखा कहें, चाहे जो आश्रम कहें, वो आखिर में है कहाँ पे? शांति कुंज हरिद्वार में। शांति कुंज हरिद्वार, और बाकी अभी भारत लगाए तो 84 देशों में भी है। हाँ। नेपाल में इसका आप लोगों का क्या अवस्था है अभी तक? नेपाल में कितने आश्रम हैं, चाहे आपसे जुड़े हुए कितने लोग हैं यहाँ पे? यहाँ पे जुड़े हुए हमसे करीबन 150-200 भक्त जुड़े हुए हैं, और यहाँ गायत्री परिवार भी मंदिर भी यहाँ है, अमरनाथ गुप्ता जी चला रहे हैं, वहाँ का संचालन करता है, और एक और गायत्री मंदिर है हमारा, वो जो आपका पानी टंकी है, और वहाँ भी है, 2 आश्रम जनकपुर में भी है। ये जो परिवार है, ये कब से इसका शुरुआत हुआ है? गायत्री परिवार के इतिहास के बारे में जब जानने की कोशिश करें तो क्या है, कब से ये चलता आ रहा है और ये आगे कैसे बढ़ा, आज 84 देशों में है आप लोग, इसकी सफर के बारे में जानना चाह रहा हूँ। ये विकसित हुई है करीबन 80-85 वर्ष में, इतनी विकसित हुई है 80-85 वर्ष। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? मैं विशेष बात जो कुछ जाने हैं अपने पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी से जाने हैं, और पंडित श्री राम शर्मा ने बताया कि गायत्री मंत्र जन जन में फैलाओ और गायत्री मंत्र से सबकी राहत होगी, और गायत्री मंत्र हर मनुष्य के लिए फायदामंद चीज है, और गायत्री मंत्र सुरक्षा कवच भी है। तो एक गायत्री मंत्र के बारे में एक ये भी कहा जाता है कि सिर्फ ब्राह्मणों को बोला जाता था पहले, अब सब बोलते हैं, इसके बारे में क्या कहना है आपका? नहीं, वो पहले के हम लोगों को जो पिछड़े लोग थे, पढ़े लिखे नहीं थे, पिछड़े जो मध्यम वर्ग के लोग थे वो पढ़े हुए लोग नहीं थे, और जो भी होता था हम लोग ब्राह्मण को मानते थे, तो ब्राह्मण जो कहते थे वो गुरुमुख मान करके स्वीकार करनी पड़ती थी। लेकिन अब क्या हो गई है, अब सब में देवत आ गया, सब में परिवर्तन हो गई, सब शिक्षित हो गए, तो अब गायत्री मंत्र का संशोधन किए हैं और गायत्री मंत्र से लाभ पाए हैं, तो कहा कि नहीं ये ब्राह्मण की नहीं, ये हमारे शूद्र वर्ण के भी है। गायत्री मंत्र उच्चारण आमतौर पर घर घर में किया तो जाता है, लेकिन उसका उपयोग उतना हो नहीं रहा है, इसके फायदे के बारे में जरा जाने, चाहे ये कहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं? इसमें क्या होता है, आपने जो
देवालय देवास्था जिसमें आपको देवता की रूम होता है, देवता का जो कक्ष होता है, तो उसमें अपने कुल देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता जैसे भी हो, अनेक आपका श्रद्धा के अनुसार देवी देवता को जहाँ पूजा करते हैं, तो वहाँ भी एक गायत्री माता और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की तस्वीर संयुक्त होती है, वहाँ रख करके ब्रह्ममुहूर्त में आपने पढ़ा जाए। ब्रह्ममुहूर्त में घी का दीपक जला करके अखंड ज्योति में आप वहाँ बैठ जाइए। ब्रह्ममुहूर्त में विशेष नहीं, आपने 308 माला जाप करें, फिर आपने एक सप्ताह के बाद मुझे फोन करें कि क्या लाभ मिला है। इसके उपयोग में कोई परहेज चाहे ऐसा कुछ भी आता भी है कि ये मंत्र पढ़ते समय ऐसा करना चाहिए, चाहे खाने पीने का आचरण हो, ये परहेज वगैरह कुछ आता है इसमें क्या? गायत्री मंत्र में क्या होती है, परहेज तो है ही, लेकिन क्या होता है जो अपना भोजन करने की शैली, जैसे कि अभी हमने प्यास भी लगी है पर प्यास पानी भी नहीं पी रही है, हमारे नवीन बाबू नाती मेरा पूछा कि ये लाएँ वो लाएँ, मैंने कहीं कुछ भी नहीं लेती, मैंने मार्केट के कुछ भी नहीं खाती मैंने, और मैंने काठ की गिलास और काठ की थाली और काठ की कटोरा और हाथ में कमंडल होती है, ये जो है हमारे हाथ में तुलसी है, तो इसलिए वो अपनी 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 पर डिपेंड है कि हमने कितने शुद्धता की वजह से हम मंत्र जाप करें, लेकिन ये क्या है एक्चुअली आपने मंत्र की जाप करते करते शुद्धता आ ही जाती है, आपको जो खाने की मन होती है, जो नहीं खाने का है मनुष्य का, वो अपने आप आपके दिल से निकल जाएगी। ऐसा कोई नियम वगैरह है कि शाकाहारी ही होना पड़ेगा इसके लिए? इसमें नियम नहीं है, नियम नहीं, लेकिन गायत्री मंत्र शुद्ध कर देते हैं। शाकाहारी होने के और अध्यात्म से इसका लगाव कैसे है, मतलब जो अध्यात्म की तरफ बढ़ना चाहे क्या वो मांसाहारी हो के, मतलब ऐसा हो सकता है ना किसी को मांस मछली खाने का इच्छा हो, शाकाहारी ना बनना चाहे, तो अध्यात्म से उसका लगाव हो सकता है कि नहीं, जुड़ सकता है कि नहीं? तो वो तो भगवान अंदर देखते हैं बाहर नहीं देखते हैं, कोई अगर मान के खाता है परमात्मा के हृदय से नाम लेता है तो उसका भी भगवान स्वीकार करते हैं, और जो शुद्धता मन से करते हैं उसका लाइफ एक्चुअली अधिक होती है, और जो तम खाते हैं, तम के ओर जो भोजन करते हैं, उनका जो मानसिकता होता है ना वो उथल पुथल होता है, और जो सात्विक विचार के होते हैं मन ठंडा और शीतल होता है। मांसाहारी खाना जो कहा जाता है उसके मतलब हेल्थ पे, स्वास्थ्य पे फायदे बेफायदे, वो मेडिकल अलग एक टॉपिक हो जाएगा, अलग विषय हो जाएगा, लेकिन उसको जब अध्यात्म से जोड़े तो अध्यात्म के दृष्टिकोण से मांसाहारी खाना अच्छा है या बुरा, या बुरा यदि है शरीर पे या अध्यात्म पे असर पड़ता है गलत तरीके से, तो वो कैसे? गलत है जो हमारा ये पेट है ना, ये हमारा पेट साग सब्जी और दूध दही की है, अगर हमने इसमें श्मशान बना करके किसी चीज के भक्ष करते हैं, हमने अगर खसी को काटने के बाद वो मुर्दा होता है, बकरे के काटने के बाद मुर्दा होता है, चाहे आप लोग मुर्गी के काटने के बाद वो मुर्दा होता है, तो मुर्दा कहाँ जाता है, मरने के बाद उसे कहाँ रखा जाता है, श्मशान में रखे जाते हैं, लेकिन हम लोग उसको इतने मसाले डालते हैं, तेल डालते हैं और उसको भी हजम करते हैं, तो ये आध्यात्मिक रूप से इसको हम लोग नहीं मानते हैं, नहीं खाना चाहिए। हम लोग उपदेशक हैं कि अगर मनुष्य में देवत्व कैसे आएगा, जब तक अपने आप को अंदर को धोएंगे नहीं, अंदर में अपनी कलमश कसाई को धोएंगे नहीं, तो फिर हम दूसरे को उपदेश कहाँ से दे सकते हैं। तो आप सिर्फ उपदेश देने का काम करेंगे, कोई जोर जबरदस्ती तो होता नहीं? नहीं, जोर जबरदस्ती मैं नहीं करती, मैं उपदेशक हूँ और एक अपने गुरुदेव को एक प्रचारक हूँ। आप जब ज्ञान बांटती हैं, चाहे किसी को शिक्षा देती हैं या किसी के पास जाती हैं, तो क्या क्या विचार लेके या फिर क्या क्या उसको शिक्षा देती है, मूल उद्देश्य क्या रहता है आपका? जैसे मैं कहीं भी यज्ञ करती हैं तो बहु बेटियाँ को हमने सिखाती हैं कि अपने घर के निर्माण कैसे करनी चाहिए,
अपनी सास के किस तरीके से अपनी माँ बनना चाहिए, माँ माँ बनाना चाहिए, और अपनी ननद की बहन के तरह किस तरीके से आप बनाइएगा तो बन सकती हैं। जैसे कि महिलाओं की आज हो गया है कि देवरानी है तो देवरानी एक शत्रु के तरीके से दिखाई देती है, ये गैर के तरीके से दिखाई देती है। तो हम लोग ऐसे प्रवचन करते हैं कि उन समय ऐसा आ जाता है कि नहीं, ये हमारे घर की एक तुलसी है, ये हमारी अपनापन है, ये दुख में और सुख में मेरा यही साथ देगी और मेरी बहन तो आते ही आते आएगी। तो हम लोग जो है घर को निर्माण करवाते हैं और बहु बेटियों को हम लोग निर्माण अच्छी उपदेश देते हैं कि अपनी सास को अपनी माँ मानो और ससुर को पिताजी मानो और अपनी ननद को बहन मानो तो घर स्वर्ग होगा, और अपनी जेठानी और देवरानी का जो बच्चा है उसके अपना पुत्र मानो तो आपका माई बनेगी वो और आपका घर अच्छी तरह निर्माण होगा। ये जो रिश्तों की बात आपने कही है ना, जो रिश्तों में दरार आ रहे हैं, चाहे मनमुटाव हो रहा है, एक तरफ देखा जाए तो स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह काफ़ी बढ़ रहे हैं, बच्चे भी अब पढ़ लिख के आ रहे हैं, पर उस हिसाब से रिश्तों में दरार भी बढ़ रही है, तो शिक्षा बढ़ने के बावजूद ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? तो इसमें यह है एक्चुअली, जो भी बच्चा इंजीनियर तो बना है, डॉक्टर तो बना है, लेकिन संस्कार से जो है उतर चुका है, जिसे संस्कार नहीं मिलेगा तो वो क्या करता है, आज के बच्चे, आज के माता पिता उपदेश देती हैं केवल मैं हूँ और तुम हो, ये चाचा है, ये तेरी बुआ जी है, ये तेरी दादी है, अच्छा ठीक है छुट्टी होता है ना तो मेरे मैके चलो लेकिन दादी के पास मत जाओ। तो बच्चों को शिक्षा माता पिता वैसा नहीं देने के कारण और आध्यात्मिक से नहीं जुड़ने के कारण आज मुसलमान के बच्चे मस्जिद में 4 बार जाते हैं पर हमारे हिंदू के बच्चे मंदिर में कितने बार जाते हैं। नैतिक शिक्षा पढ़ाई तो होती हो रही है स्कूल में भी, खास करके विषय के हिसाब से भी, सब्जेक्ट के हिसाब से बुक में भी पढ़ाया जा रहा है, और कोई भी माँ बाप क्या गलत सिखाएगा अपने बच्चे को? बच्चे को मैंने वो नहीं बता रही कि गलत सिखा रहे हैं, बल देखो इंजीनियर होकर के भी गलत कर रहा है बच्चे, इंजीनियर तो है लेकिन हमारे देश का घोटाला कर रहा है, डॉक्टर तो है लेकिन क्लिनिक बेच रहा है, डॉक्टर तो है खून बेच रहा है, तो क्या हुआ? क्या माता पिता की उपदेश नहीं थी कि बेटा तुम एक साधारण तू डॉक्टर बनना, अपने तरफ से खून देना, कुछ कम करना गरीबों के लिए, पर तुम डॉक्टर बन के दिखाना, भगवान बनकर दिखाना, डॉक्टर क्या होता है, भगवान होता है। तो क्या अभी के दौर में पैसा हावी हो गया इंसानियत पे? हाँ पैसा इंसानियत के हावी कर दिया है और पैसा किसी रिश्ते वालों को भी नहीं पहचानने देता, यहाँ तक कि किसी को अपने रिश्ते वालों के साथ बैठने की भी फुर्सत नहीं। तो कहाँ चूक गए हम, जब यदि बात करें भारत की, नेपाल की, ये तो ऋषि मुनियों की धरती है, यहाँ पे तो बड़े बड़े लोग पैदा हुए, ज्ञान दिया करते थे, तो विज्ञान के हिसाब से जो आधुनिक शिक्षा जो है उसके मुकाबले आध्यात्मिक शिक्षा या जो परंपरागत शिक्षा रही है यहाँ की, वो कहाँ पीछे रह गई? विज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक को लेना चाहिए, वैज्ञानिक हर चीज़ दिया है लेकिन उनके साथ अगर आध्यात्मिक नहीं है तो बस वो नरपशु बन जाएंगे, वो कमा करके ही खा करके ज़िंदगी बिता देगा दुनिया से। आध्यात्मिक ज्ञान की जब बात करें, अभी क्या देख रही हैं आप, अभी का माहौल कैसा है, चाहे वो भारत में हो या नेपाल में हो, चाहे आप जहाँ जहाँ गई हो वहाँ पे आध्यात्म से कितना लगाव देखती हैं आप इंसान का? एक्चुअली अब जो है 2013 से आध्यात्मिक विकसित हो गई है, घर घर में पूजा महिलाएं करना शुरू कर दी, पुरुषों भी करना शुरू कर दे, नौजवान भी करना शुरू किए, आप जैसे नौजवान भी करना शुरू किए हैं, या किताब के माध्यम से हो, या यज्ञ के माध्यम से हो, या संत के माध्यम से हो, या टीवी के माध्यम से हो, पूजा होना शुरू हो गया। अध्यात्म की जब यदि बात करें तो अध्यात्म को परिभाषित कैसे करें, मतलब अध्यात्म है क्या, सिर्फ पूजा करना, भगवान को याद करना, यही अध्यात्म है या इससे इसका दायरा बड़ा है, क्या है अध्यात्म? नहीं नहीं नहीं, एक भगवान के साथ ही बैठ जाना और भगवान की पूजा करके ही समय बिता देना, ऐसा भगवान कहीं नहीं कहते हैं। सुबह और शाम भगवान के नाम लेते हुए अपनी
काम की ओर बढ़े, भगवान ये कहते हैं, संत भी ये कहते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि दिन में दो ही झूठ बोलो जिससे किसी को फायदा हो। झूठ मत बोलो, गलत मत करें। आध्यात्मिक का मतलब ये होता है बेटा कि आप घर में भगवान के सूर्य देवता को, अगर आपको सूर्य भगवान की मंत्र याद है तो सूर्य भगवान के मंत्र के साथ ओम सूर्यदेव सहस्त्रासो तेजो रासे जगतपते अनुकंपाय माम भक्त्यार गिरनागरम दिवाकरम ओम सूर्याय नमः आदिताय नमः भास्कराय नमः। आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो गायत्री मंत्र से 3 बार गायत्री मंत्र पढ़ते हुए आपने सूर्य भगवान को जल दे सकते हैं, और जल देने के बाद में जो थोड़ा सा जल बचती है भगवान को जहाँ भोग लगाते हैं, भगवान को जो भी हो, या मिश्री हो या मिष्ठान हो या मेवा हो या शक्कर हो, जो भी हो, एक तुलसी पत्ता डाल करके भगवान को भोग लगा करके आपने 7 बजे अपना काम में लग सकते हैं। ये सब चीज़ें गायब क्यों हो रही हैं? चाहे जैसे आपने कहा सूर्य को अर्घ देना, पूजा पाठ करना, धार्मिक किताबें पढ़ना, कहाँ पे कमी रह गई है? कमी हमारी एक्चुअली ये हो गई है कि हर इंसान में पैसा 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 भी कमाना है, फुर्सत भी नहीं होना है, और शाम में आने के बाद में पैसा भी नहीं। लेकिन आध्यात्मिक में क्या होता है कि नमक रोटी ही खाइए, आनंद से नींद आती है। और ऐसे में क्या होती है, टेबलेट खाकर सोना पड़ता है। अध्यात्म के और जाने के रास्ते क्या क्या हो सकते हैं? आध्यात्मिक के जाने की रास्ता आप खुद ही घर में कर सकते हैं। अगर आपकी आध्यात्मिक में जाने की मन हो गई तो सचमुच आप परमात्मा के अंश हैं। आप जानते थे तो भी भगवान के अंश हैं, और नहीं जानते थे तो भी भगवान के अंश हैं। तो क्योंकि भगवान, जैसे हमें कोई पूछता है कि आप किसके बेटा है, तो हमने अपने पिताजी को नाम बताते हैं। तो क्या सचमुच हम पिताजी के नाम तक हैं? क्या पिताजी के हैं तो मुझे नाक कौन बना दिया, आँख किसने बना दिया, नाक किसने बना दिया, मुँह किसने बना दिया? जन्म देने वाले वो हैं, तो मृत्यु तो उन्हीं के हाथ में है। अगर बीच में उन्होंने ले जाते हैं तो क्या पिताजी बचा सकते हैं? इसलिए भगवान पर भरोसा अडिग रखना चाहिए कि भगवान मुझे मलमूत्र में जाकर के 9 महीना मुझे पनाया है, उनकी भी ऋण है। लेकिन यहाँ तो ऐसे भी लोग हैं ना जो सवाल उठा देते हैं कि कहाँ है भगवान, कौन है भगवान, भगवान या फिर धर्म ऐसी कोई चीज नहीं है। भगवान नहीं है तो मेरे श्वास कैसे चल रही है? भगवान नहीं तो मेरे विवेक कैसे काम कर रही है? भगवान नहीं तो मैं खाते कैसे हैं? भगवान नहीं तो मैं चलते कैसे हैं? आपने सुने हैं मारने वाले हैं भगवान, बचाने वाले हैं भगवान, तो फिर उन लोगों को विश्वास क्यों नहीं? वो प्रश्न क्यों करते हैं कि नहीं है भगवान, भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं, वगैरह वगैरह, काफी प्रश्न आपको भी आते ही होंगे ये सब। हाँ, एक्चुअली क्या होता है, जो आपको कछुए जुनू से आते हैं तो उसका जो संस्कार होता है ना, वो इंसान पर आता है। जो छिपकली जुनू से आता है वो अपना रंग बदलता रहता है। जो सांप जुनी से आता है वो घुसालू टाइप का होता है, भगवान को नहीं मानता रहता है। तो ये जुनी की जो बात होता है ना बेटे, 84 लाख यूनी से जो आते इंसान, तो जो करीब जो जुनी से जो आते हैं उस यूनी के लिए वो उस पर शरीर पर हावी रहती हैं जो नहीं मानते। कब नहीं मानते हैं? जब तक जवान है तब तक नहीं मानेंगे। जब तक कुछ घटना होता है और घटना भगवान का विश्वास दिला देता है कि नहीं कोई नहीं था, वहाँ भगवान था, मुझे बचाया है, मैंने बच्चे को बचाया है, मुझे बचाया है, तो भगवान विश्वास दिला देते हैं। मतलब कोई चमत्कार हो, घटना हो, तब यकीन आता है। हाँ, यकीन आती है। ठीक है, आपसे बातचीत जारी रखेंगे ही। दर्शकवृंद, एखन समय भेल अछि छोट छिन व्यावसायिक विश्राम के। विश्राम के बाद हम सब फिर से चर्चा जारी रखबे करब। आज प्राइम टाइम में फिर से स्वागत है। आई हम सब अध्यात्म के बारे में बातचीत कर रही, वही के लिए हमारा सबके साथ में विशिष्ट अतिथि भारत से आयल छथ, गायत्री परिवार से जुड़ल संत सुंदर माता जी,
हुनका सँगै बातचित कर रहल छी अध्यात्मके विषयमे, एखनके सामाजिक परिवेश, एहिमे अध्यात्मके केना आनल जाय, इएह सब विषयमे। ब्रेक से पहले काफी बातें हुई, अब उसी को निरंतरता देते हैं। धन्यवाद। अभी जो माहौल अभी देखने को मिल रहा है, ब्रेक से पहले जैसे हमने रिश्तों की बात की, उसमें अब जरा माता पिता और बच्चों की रिश्तों की बात कर लें। काफ़ी बच्चे जो हैं वो अपने माता पिता से अब उतने नज़दीक नहीं रहते हैं, चाहे उन दोनों में जैसा व्यवहार होना चाहिए, इज्जत देनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए, चाहे काफ़ी बच्चे गलत काम में भी लग जाते हैं, चाहे वो नशा हो, ये सब वगैरह, इसमें अध्यात्म से क्या कोई फ़र्क पड़ने वाला है यदि ये सब चीज़ें लाया जाए तो? अध्यात्म से फर्क तब पड़ेगी जब अपने संस्कार से जुड़ेंगे, और जो भी हमने देख रही हैं, जो बोर्डिंग की पढ़ाई है, जितने भी बच्चे इंग्लिश में पढ़ाई पढ़ रहे हैं, उस बच्चे को इतनी ना होमवर्क होता है, बच्चा खेल नहीं पाता, बच्चा सोच नहीं पाता है, और बच्चे बस उतना ही तक सिमट करके रह जाता है, अच्छे बात सुन नहीं पा रहा है, बच्चे विकसित होगा तो कैसे होगा? और माता पिता के पास भी उतना वक्त नहीं रह गया कि बात करें, बैठें, कुछ साथ में समय बिताएं, काम में ही इतना बिजी रह जाते हैं आजकल तो ये सब चीज़ें जो है, ये सब विकृतियां जो है, कितनी देखने को मिलती है, चाहे आपके पास ऐसे समस्या लेके कितने लोग आते हैं? मेरी समस्या दिन भर में आती रहती है, ऐसी कि माता जी मेरे बेटे मेरे बात नहीं मानते हैं, मैं ये कहता हूँ तो वो कहता है, तो ऐसा होगा क्योंकि आपने बच्चे को कदर करना नहीं सिखाया, आपने बच्चे को प्राण बाण नहीं बनाया, आपने बच्चे को शिक्षा तो देते हैं, शिक्षा के साथ साथ आपने दीक्षा नहीं देते हैं। बच्चा को क्या है, आपने शिक्षा तो देते हैं, आज के शिक्षक देखिए अपने हाथ से खैनी खाते हैं, शिखर खाते हैं, गुटखा खाते हैं, बच्चा पर कितनी असर पड़ती है, कितनी असर पड़ती है। तो बच्चा आज डिसिप्लिन घर में भी नहीं है, और आप बच्चे को देखा जाए तो स्कूल में भी नहीं। इन सब चीज़ों को सुधारने के लिए क्या क्या करना चाहिए? इन चीज़ों को सुधारने, देखिए क्या होता है, वो सुधारना तो अपने अंदर से ना आती है, अच्छा और बुरा क्या है हम इस चीज़ को खुद को देखना पसंद करते हैं और उसको छोड़ना पसंद करेंगे कि ये चीज़ अच्छा है तो हम विद्यार्थी के साथ ऐसा व्यवहार करें, अगर अच्छा नहीं है तो विद्यार्थियों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करें। और आजकल के माँ है बच्चों को दिखावन आवाज़ से बोलती हैं, हाथ भी छोड़ती हैं, डांट भी देती है, समय से बच्चे को साथ हरियाली होना चाहिए, घुमाना चाहिए, या पार्क हुआ या अथवा मंदिर हुआ, ये सब नहीं हो पाते हैं। आजकल तो अब ये भी देखने को मिल रहा है, जैसे अध्यात्म की बात करें, चाहे पूजा पाठ की बात करें या मंदिर जाना वगैरह हो गया, अभी जो माहौल है उस हिसाब से यदि देखा जाए तो कोई यदि कर भी रहा है या फिर मंदिर जाना हुआ, पूजा पाठ करना हुआ, तो उसे कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि क्या कर रहा है, मतलब है ना, अभी एक माहौल अजीब सा बन गया है कि जो ये सब करता है वो पुराना सोच का हो गया, पूजा पाठ ना करने से अब मॉडर्न हो जाते हैं, कूल कहते हैं खुद को, तो इस पे आप क्या कहेंगे? उसमें ये कहेंगे कि वो जो रोकता है वो राक्षस परिवार की है, जो अच्छे कदम चलाने वाले को, अच्छे कर्म करने वाले को पीछे खींचना और उसे बेकार कहना, खराब कहना, तो उसका सोच ही राक्षस प्रवृत्तियाँ की हुई, तो वो चाहता है कि मैं जैसे हूँ वैसे ये भी रहे, तो उसको तोड़ करके उससे आगे निकलते हैं, उसे हम अध्यात्मिक कहते हैं। इसमें अब जरा पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान, हवन वगैरह की बातें करें, यज्ञ चाहे हवन या अनुष्ठान क्यों किया जाता है आखिर? यज्ञ से क्या होता है, आपकी यज्ञ से जिसको पुत्र नहीं है पुत्र प्राप्ति करते हैं, जो विद्यार्थी कमजोर है वो विद्यार्थी तेज होते हैं, जिसको जो मन में रखते हैं वो मनकामना उसकी पूरा होती है, जिसको जो गरीब है वो अमीर होते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक चीज़ ऐसा उतने ही नहीं, आपका वातावरण भी संतुलन में होते हैं और उसके बाद वायुमंडल भी साफ होते हैं, और वो यज्ञ से हमारा आकृति प्राकृति सब बदल जाती है।
प्रश्न तो ये भी आएगा ना कि यज्ञ से ये सब चीजें सुधरेंगी कैसे, मतलब यदि पढ़ाई में खराब हो तो पढ़ने से अच्छा होगा, पुत्र प्राप्ति होना, ये सब चीजें, ये सब तो कर्म की बातें हैं ना, यज्ञ इसमें कैसे मदद पहुंचाता है? यज्ञ के माध्यम से ही होती है। यज्ञ जिस क्षेत्र में यज्ञ होती है ना, तो उसी क्षेत्र का वायुमंडल साफ होती है, और जिस जो यज्ञ में बैठते हैं उनका भी मनोकामना पूरी होती है, और जो आसपास में रहते हैं उनका भी बहुत बड़ा लाभ होती है। ऐसे यज्ञ के फायदे, चाहे किसी को फायदा हुआ हो, आप तक ऐसी खबरें आई, ऐसा आपने देखा है कि यज्ञ करने से किसी को फायदा हुआ, चाहे ये सब चीजें? हाँ, हमारे पास प्रमाण भी है और फोटो भी है और फोन नंबर भी है। मैंने यज्ञ से अपने हाथ से करीबन 3-4 हजार पुत्रष्टि यज्ञ करके बच्चे हमारे हाथ से गुरुजी की कृपा से जन्म ले चुका है। आज के ज़माने में जब कोई कहेगा कि 21st सेंचुरी है, ये विज्ञान का दौर है, उसमें यज्ञ करने से पुत्र प्राप्ति यकीन कर पाएगा? वो दोनों है ना, मैंने तो वैज्ञानिक भी लेके चलती है ना, जड़ी बूटी जो भी है वो वैज्ञानिक ने सर्च किया है और सर्च करके बताया गया है। आम की लकड़ी के जलाने से कितने फायदा है, कितने अंदर में जो जड़ी बूटी है 108, उस जड़ी बूटी को जलाने से हमारे अंदर में कितनी बैक्टीरिया है, कितनी गंदगी है, कितनी बीमारियां हैं, वो जड़ी बूटी को जलाने से हमें फायदा मिलता तो ये सब विज्ञान से जुड़ा है, हुआ। जुड़ा हुआ है आध्यात्मिक और विज्ञान दोनों जुड़ा हुआ है। तो जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो उसमें जब विज्ञान जुड़ा हुआ है तो ये बाकी लोगों को क्यों नहीं पता कि अध्यात्म के साथ साथ विज्ञान भी जुड़ा हुआ ही है, विज्ञान अलग नहीं है, नहीं है, ये बातें क्यों नहीं पहुंची? विज्ञान इसलिए नहीं ये बात मानते हैं कि विज्ञान कहते हैं कि पहले हम देखेंगे, और आध्यात्मिक कहते हैं कि पहले तुम चलो। विज्ञान कहता है कि पहले देखेंगे, लेकिन आध्यात्मिक कहते हैं कि पहले करना है। करना के मतलब कि पहले आप करके अनुभव करिए। जैसे कि हवन हुआ, तो आपने इस हवन को कर करके अनुमान लगा सकते हैं, ले सकते हैं, और वैज्ञानिक कहता है कि पहले हमें फायदा हो जाए, इसीलिए थोड़ा सा बात वहाँ गड़बड़ा जाती है। वैज्ञानिक कहता है कि पहले आध्यात्मिक को उस शर्त पर मानेंगे कि मुझे पहले फायदा हो, और आध्यात्मिक कहते हैं कि नहीं, ऐसे नहीं, पहले मुझे जानो। अध्यात्म और धर्म, ये दोनों अलग चीजें हैं या एक हैं? एक है तो क्या हर एक धर्म जो इस पृथ्वी पे हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, ये सब धर्म अध्यात्म के रास्ते पे लेके जाते हैं? हाँ, आध्यात्मिक लोग जाते हैं। तो फिर इतने सारे धर्म जो हैं, अंतर द्वेष, अंतर कलह क्यों होते हैं? अपनी अपनी सोच होती है, भगवान तो एक ही है, रास्ता अनेक है। जैसे कि हमको हरिद्वार जाना है, तो कोई किसी रास्ता से जाएगा, कोई किसी रास्ता से जाएगा, कोई, लेकिन पहुंचेंगे तो वही हरिद्वार ही। तो सोच अपन अलग अलग है। लेकिन जब एक ही मंजिल पे जाना है, यात्री भी सहयात्री हुए, तो एक दूसरे के प्रति घृणा क्यों हो जाती है आखिर में? अपनी अपनी सोच होती, घृणा नहीं होना चाहिए। मनुष्य तो परमात्मा का स्वरूप है। क्या ज्ञान देने वाले घृणा बांट रहे हैं? हाँ, ऐसा भी हो सकती है। अगर ज्ञानी पुरुष ऐसा ज्ञान नहीं दे सकता है कि तुम मुस्लिम हो तो मुस्लिम का धर्म का प्रचार मत करो, तुम सिख हो तो सिख के प्रचार मत करो, नहीं, किसी चीज को करता है तो ईश्वर के ही प्रचार करता है, चाहे जिस रूप में हो। जब ज्ञान देने वाले, जिनको बहुत सारे लोग गुरु मानते हैं, संत मानते हैं, बहुत पीछे ना जाए, 2-3 साल के ही यदि भारत के, नेपाल के भी घटना देखें, तो ऐसे कई जो खुद को संत कहते थे, वो या तो मर्डर केस, रेप केस, पैसा ठगी केस, इस सब के चक्कर में अंदर जा चुके हैं। विश्वास कैसे होगा आम लोगों का कि धर्म के प्रति चलें, चाहे अध्यात्म की ओर चलें, या फिर कोई हमें सही रास्ता दिखाए? देखो बेटा, क्या होती है, वो आध्यात्मिक और संत जो होते हैं, आध्यात्मिक वाले संत होते हैं ना, वो रंग रूप से पहचाना जाता है। उनकी जो तेज ओत प्रोत जो होता है ना, वो आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ रहता है। जो संत होगा वो पैसा पर नहीं जाएगा। जो संत होगा, जो आपने बताया है मर्डर, वो कभी नहीं कर सकता है। जो आपने बताया रेप, वो कभी उस सबको, जो संत होते हैं ना, लोभ मोह क्रोध अहंकार काम वासना सबको जला करके आगे बढ़ते हैं, उसे हम संत कहते हैं।
लेकिन हर एक धार्मिक संस्थाएं की जब यदि बात की जाए तो आश्रम जब खोले जाते हैं तो उसमें भी तो पैसा चाहिए होता है, अलग अलग जगह पे आश्रम स्थापित किए जाते हैं तो कहीं ना कहीं पैसा से तो लगाव तो हो जाता है। तो पैसा क्या होती है, आपके श्रम के अनुसार, ट्रस्ट के अनुसार आप काम करके दिखा दीजिए और उसमें काम आप अपने हाथ से मत लीजिए। वो इंजीनियर होते हैं, वो नक्शा खुद को बनाते हैं और उस इंजीनियर के अनुसार पैसा आता है, काम हो जाता है, हो गया। अभी जब गायत्री परिवार की बात करें तो भारत के अलावा आप इस संस्था से जुड़ी हैं, ये परिवार है आपका, कहाँ कहाँ जाके आपने क्या क्या किया और लोगों से क्या क्या समस्याएं दूर हुई हैं? समस्या जो भी लेकर के आते हैं, शायद हमको लगता है कि जो भी व्यक्ति कुछ भी समस्या लेकर आता है तो उसकी उनकी समस्या पूरा न हो, ऐसे हमको नहीं अनुभव आज तक ले लगा। जो भी आए उनकी समस्या की पूरी हुई। आप विदेश भी गई हैं, वहाँ पे क्या क्या होता है? वहाँ क्या हुआ था, तीन भाई थे, वो बलिया के रहने वाले थे, मैंने मोर्चा से भी तुरंत गई थी। तो वहाँ तीन भाई थे, तो तीन भाई थे तो दो को बच्चा नहीं हो रहा था, दो भाई का बच्चा नहीं होता, एक का नाम था सुधीर और एक का नाम था अवधेश, तो दोनों का बच्चा नहीं हो रहा था। तो एक्चुअली यहीं हमने पुत्रष्टि यज्ञ थी, कहाँ, बलिया में। तो बलिया में यज्ञ थी, तो यहाँ से जो मैं जड़ी दी थी वो जड़ी से वो दोनों महिला जो है गर्भवती हो गई। जो बच्चा जब जन्म लिया है, दोनों को लड़का हुआ, तो उसी बच्चा को नामा संस्कार करने के लिए यहाँ वो नहीं आए, तो यहाँ से हमको, वहाँ से उन्होंने वीजा बना करके हमको ले गए थे। तो विदेशों में रहने वाले आपसे जुड़े लोग, गायत्री परिवार से जुड़े लोग कितने होंगे, यदि एक अंदाज़ा लगाया जाए कहाँ कहाँ पे हैं? करीब वहाँ मॉरिशस में 100 आदमी हो गया, 100 श्रद्धालु हो गए हमारे, हाँ 100 श्रद्धालु मॉरिशस में हो गया। जब नेपाल की बात की जाए तो यहाँ पे गायत्री परिवार को बढ़ाने की बात हो रही है? हाँ हाँ, गायत्री परिवार की बढ़ाने की बात मैं बढ़ाती रहती। अभी मैं तुरंत रात में 9 बजे आई हैं, अभी यज्ञ करके आ रहे हैं, मुंडन संस्कार करके आ रहे हैं। अध्यात्म और धर्म से जुड़ा हुआ एक और पहलू ये होता है कि मृत्यु के बाद मोक्ष पाना, ये आखिर मोक्ष प्राप्ति का रास्ता कहाँ से जाता है? चाहे ये जो बताते हैं अलग अलग धर्म में, हर एक हिसाब से कहते हैं कि कोई कहता है जन्नत में जाना है, चाहे कोई गॉड के पास, स्वर्ग में प्राप्ति, स्वर्ग प्राप्ति, ये रास्ता क्या है आखिर में? ये तो कर्म के अनुसार फल मिलती है, इसको मैं नहीं मानती है। जो आध्यात्मिक में रहेंगे तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, इसको मैं नहीं मानती। मैं कर्म कैसा कर रही हूँ, अगर मैं कर्म करती हैं तो भगवान पर भरोसा है कि मुझे स्वर्ग में ले जाएंगे या मुझे नरक में रखेंगे। मैं इस चीज़ को मैं नहीं मानती कि मैं धर्म करते हैं या मैंने गिरुआ वस्त्र पहन लिए हैं या मैंने साधना करते हैं यज्ञ करते। आज भी हमने करीबन 400 यज्ञ कर चुके हैं, 400 यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ कर चुके हैं। तो इसके मतलब ये नहीं कि मैंने इतने बड़े यज्ञ कर दिए, मैंने इतने यज्ञ कर दिए तो हमें मोक्ष प्राप्त होगी या अथवा स्वर्ग में मैं जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। कार्यक्रम के अंत में है तो गायत्री परिवार से जुड़े और कुछ जानकारियां ले लें, यदि कोई गायत्री परिवार से जुड़ना चाहे क्या करना होगा? गायत्री परिवार में जुड़ना चाहते हैं तो आपका यहीं आपको मंदिर है, ये एक्चुअली क्या नाम है अभी बताई थी मैंने, मंदिर गायत्री मंदिर, जानकी मंदिर की, ये अगर पूर्व साइड से खड़े होंगे तो आपको दाहिने ओर है अमरनाथ गुप्ता, आपने अमरनाथ गुप्ता से वहाँ परिचय करके गायत्री परिवार में अगर जुड़ना है तो दीक्षा लेना पड़ता है, दीक्षा लेनी पड़ती है। गुरु दीक्षा लेने के बाद में क्या होता है, आप मीट मछली खाते उसके लिए कोई गम नहीं है, लेकिन आपने 3 माला गायत्री मंत्र का उच्चारण अवश्य करें ब्रह्म मुहूर्त में, और आप उससे बहुत सारा फायदा होता है। आप खुद को कहेंगे कि हम गायत्री परिवार से जुड़े तो कितने फायदा है, क्योंकि ये कहा गया है हमारे संतों ने कि महामंत्र जितने जगमाही को गायत्री समनाही। जो ये मंत्र है, भगवान राम को भी यही गुरु दीक्षा मिला था मंत्र, और भगवान कृष्ण को भी यही गुरु दीक्षा मिला था, तो इसलिए ये मंत्र जो है गुरु मंत्र ही है। ठीक, आप आई
हमसे बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद विजय। दर्शकबिंद, आई के प्राइम टाइम के समय हमरा सबके एत समाप्त होते हैं। हम सब फिर से अगला दिन अगला अतिथि के साथ में उपस्थित हेबे करब। ताधर के लिए हम अमित ठाकुर के संपूर्ण यूनिट के तरफ से विदाई चाहे छी। नमस्कार। हो गया।